आज हमने ये मीटिंग किया है टीबी के हवाले से, तो हमने पूरा अपना कारकर्दगी देखा है कि हमारा टीबी का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, और तमाम डीएचओस को हमने बुलाया है कि इनकी कारकर्दगी को देखना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया। खासकर हमारे जो बलूचिस्तान में दूर दराज इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है बलूचिस्तान, उस पर हमने खासकर उस पर ये देखा है कि टीबी के मरीज कितने आ रहे हैं, क्योंकि एक कहते हैं कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर कहता है कि एक टीबी के मरीज से आप समझे कि वो पूरा खानदान टीबी के मर्ज में मुबतला होगा। यही है कि हमारी कोशिश यही है कि इसको हम कंट्रोल करें, तमाम डिस्ट्रिक्टों में हॉस्पिटलों में इसका अभी वैक्सीन वगैरह दवाइयाँ जो भी हैं, खासकर हमारे बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस का एक बहुत बड़ा इशू है जो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ज़्यादा है, उसके लिए भी वैक्सीन तमाम अस्पतालों में। हमारा कोशिश यही है कि हम इमरान खान के सोच के मुताबिक अब तब्दीली लाएं, क्योंकि हमारा नारा एक तब्दीली का था, हम उसी चीज़ को लाने के लिए हमने कोशिश किया। तमाम डॉक्टरों से भी ये था कि आप लोगों के घरों तक जाएँ, आप लोग दफ्तरों में ना बैठें। इस पर हम ये है कि हेल्थ में हम पहले फंडिंग का मसला होता था, वो इशू भी तकरीबन हल हो गया इंशाल्लाह। हमारी कोशिश यही है कि हमारे अस्पताल बने, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, सील अस्पताल है, आरएचसी है, बीएचयू, ये तमाम फाल हो जाएं। तो जब वो फाल होंगे, बीएचयू फाल होगा, कोई आरएचसी में नहीं आएगा, आरएचसी फाल होगा, कोई तहसील हेडक्वार्टर में अस्पताल में नहीं आएगा, जब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फाल होगा तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नहीं आएगा, जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फाल होगा तो कोई क्वेटा या डीजी खान वो नहीं जाएगा। हमारे हमने जितना भी वो किया है, तकरीबन बलूचिस्तान के इस टाइम काफ़ी डिस्ट्रिक्टों में जो ऑपरेशन थिएटर 20 सालों से फाल नहीं थे वो फाल हो गए हैं। एक और हमें इशू तो आ रहा है गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन का, मेरे पंजाब गवर्नमेंट से भी बात हो गई है। मेरा कोशिश यही है कि हम उधर से सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट ले आएँ। जितनी बलूचिस्तान में हमने दो तीन दफ़ा दिया है कि बलूचिस्तान से जितने भी आएंगे हम उनको रखेंगे, एक बहुत बड़ी पे भी हम उनको दे रहे हैं। अभी अल्लाह की मेहरबानी से हर हॉस्पिटल में महीने में 20 से 50 ऑपरेशन हो रहे हैं, ये शुक्र है अल्लाह की मेहरबानी से। हमारी गवर्नमेंट जाम साहब की गवर्नमेंट ने ये एक अहम कदम उठाया, और हमारा आगे भी यही प्रोग्राम है कि हम आगे भी कोई और चेंज लाएँ।